आओ उर्दू सीखें मैं आप सबका इस्तकबाल आज हम उर्दू के अल्फाबेट सीखेंगे अक्षर सीखेंगे अक्षर को उर्दू में हरफ कहते हैं और उनका बहुवचन या प्लूरल जो है वो हरूफ होता है तो उर्दू के अल्फाबेट हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हमारी स्क्रीन के ऊपर हमारे हमें कुछ अल्फाबेट मैंने यहाँ पर बोर्ड के ऊपर में लिखे हुए हैं मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये है अलिफ सबसे पहला अल्फाबेट जो उर्दू का है अलिफ है दूसरा है बे पे ते, से और यहां नीचे एक अल्फाबेट है नून मैं उसको भी साथ ही ले रहा हूं तो आज हम हमारे सामने हम इन अल्फाबेट को किस तरीके से लिखा जाता है ये सीखेंगे अलिफ बे पे ते टे, टे से और नीचे ये नून पहले सबसे पहले मैं आ, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ क्योंकि लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि अल्फाबेट लिखना है तो लाइन के ऊपर लिखना है कि नीचे कुछ अल्फाबेट उर्दू में लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं कुछ थोड़ा नीचे लिखे जाते हैं इसलिए हम लाइन बनाकर आपको सिखाना चाहेंगे ताकि आपको आसानी से सही प्लेसमेंट समझ में आ सके तो मैंने ये दो लाइनें खींच दी हैं अब हम इसके बाद आ, शुरुआत करते हैं तो पहला अल्फाबेट जो आपने देखा अलिफ है अलिफ लिखना तो बहुत आसान है सीधी लाइन है आपने देखा होगा ये सीधा हमने लिखा ये अलिफ बन गया इसमें कोई परेशानी किसी को नहीं होती है दूसरा अल्फाबेट जो हमारे पास में है जैसा कि मैंने कहा था उर्दू राइट से लेफ्ट लिखी जाती है तो हम राइट से लेफ्ट लिखेंगे ये हुआ बे इसको लाइन को टच करके लिखा जाता है या उसके थोड़ा सा ऊपर तीसरा अल्फाबेट हमारे पास में है पे इसके नीचे तीन नुक्ते लगेंगे नुकते यानी बिंदु या पॉइंट्स डॉट्स उर्दू में नुकतों का की बहुत अहमियत है बहुत महत्व है नुकतों से अक्षर को पहचाना जाता है इसलिए नुकते की प्लेसमेंट जरूरी है नुकते कितने लगने चाहिए और कहाँ लगने चाहिए इसी का सारा खेल है इसी को आपको याद रखना है अलिफ बेब पे चौथा हमारे पास में जो अल्फाबेट है वो है टे इस पे दो नुकते लगते हैं उसके बाद आता है टे ये एक नुक्ते के बजाय छोटा बी अंग्रेजी का जैसा होता है वैसा लिखा जाता है मेरी हैंडराइटिंग खराब हो सकती है आपके पास मैंने बोर्ड के ऊपर जो प्रिंटेड फॉर्म दिया है उसे फॉलो करें लेकिन आ, किस डायरेक्शन में आपका आ, लिखने का तरीका होगा वो आप मेरी हैंडराइटिंग से समझ सकते हैं और उसके बाद जैसा कि मैंने कहा कि एक अल्फाबेट जो नीचे है क्रम में लेकिन मैं उसे साथ में लेने ले जा रहा हूं क्योंकि आ, इसका काम करने का तरीका अलिफ बे पे ते टे के साथ ही होगा तो ये अल्फाबेट है नून तो ये नून में यहां लिख रहा हूं आप देखेंगे नून का शेप बे पे ते टे से थोड़ा सा अलग है आ, ये सेमी सर्कल जैसा बना है राउंड बना है बे पे ते टे जो है ये एक, एक डिश के समान एक तश्तरी के समान दिखाई देते हैं लेकिन जब हम आ, इनकी आधी शक्ल का इस्तेमाल करेंगे दूसरे दूसरे हरफ के साथ जोड़ने में तो ये दोनों का बिहेवियर एक समान हो जाएगा इसलिए मैं इसको साथ में ले रहा हूं अभी आपको प्रैक्टिस करनी है इन अल्फाबेट को बार बार लिखने की सो सबसे पहले आप लिखेंगे अलिफ जो सीधी एक लाइन है सिर्फ दूसरा आप लिखेंगे बे जिसके नीचे एक डॉट है या एक नुक्ता है उसके बाद आप लिखेंगे पे जिसके नीचे तीन डॉट या तीन नुक्ते हैं उसके बाद आप लिखेंगे ते जिसके ऊपर दो डॉट या दो नुकते हैं फिर टे लिखेंगे जिसके ऊपर एक स्मॉल बी के समान लेटर है और उसके बाद आप अलग से ये इस क्रम में याद नहीं रखेंगे लेकिन अलग से आप एक लिखेंगे एक अल्फाबेट नून न जो न का स्वर देगा बाद में हम सीखेंगे उसे तो इस तरीके से अलिफ बे पे ते टे मैंने यहां पर एक अल्फाबेट छोड़ दिया से आप यहां क्रम में देख रहे हैं यहां पे से भी था मैंने लिखना छोड़ दिया मैं भी से लिख रहा हूं यहां पे इसके ऊपर तीन नुकते हैं सो so, पे, ते, टे, से और नून ये आज का लेसन हुआ हमारा छोटा सा लेसन है इसे याद कर लीजिए कल के लेसन में हम इसके आगे के अल्फाबेट सीखेंगे और किस तरीके से अल्फाबेट को जोड़ा जाता है और किस तरीके से मात्राएं लगाई जाती है वो कल के लेसन में हम सीखेंगे